मनुष्य के अच्छे कर्म ही उनके अच्छे भविष्य की बुनियाद होते हैं, इसलिए हमेशा अपनी बुनियाद मजबूत रखें। नमस्कार, बोलते तारे, आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं सोनाली ठाकुर। हिंदू धर्म में पंचांग और ग्रह नक्षत्र को मानने वाले लोग राशिफल के बारे में भी जानने के लिए काफी उत्सुक रहते हैं। ये एक ऐसा जरिया है जिसके माध्यम से आप अपने आने वाले भविष्य के बारे में जान सकते हैं। तो 31 जनवरी मंगलवार का दिन आपका कैसा रहेगा ये जानेंगे। उसके पहले क्या आपको पता है कि लोग मंगलवार को हनुमान जी की पूजा क्यों करते हैं, आइए जानते हैं। स्कंद पुराण के अनुसार मंगलवार के दिन ही हनुमान जी का जन्म हुआ था, इसी वजह से ये दिन उनकी पूजा के लिए समर्पित कर दिया गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कठोर नियम पूर्वक बजरंग बली की पूजा करने से वे जल्द ही प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों की समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण कर देते हैं। इतना ही नहीं, भक्तों पर आने वाले संकटों को भी हनुमान जी हर लेते हैं। यही वजह है कि हनुमान जी का एक नाम संकट मोचन भी पड़ा है। हनुमान जी को मंगल ग्रह का नियंत्रण माना जाता है, इस वजह से मंगलवार को बाबा की पूजा करने का विधान है। इस दिन भक्तों द्वारा हनुमान चालीसा का पाठ और सुंदरकांड का पाठ करने से विशेष लाभ प्राप्त होता है। कैसे करनी चाहिए हनुमान जी की पूजा, आइए आपको बताती हूँ। मंगलवार का व्रत कोई भी व्यक्ति किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष के पहले मंगलवार के दिन शुरू कर सकता है। इस व्रत को 21 या 45 मंगलवार तक रखा जा सकता है। कई लोग तो इस व्रत को आजीवन भी रखते हैं। चलिए अब आपको बताती हूँ कि कैसे हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। सबसे पहले प्रातः काल में उठकर नहा ले और व्रत का संकल्प कर ले। अब एक साफ जगह पर लकड़ी के ऊपर लाल पीला कपड़ा बिछाकर हनुमान जी की मूर्ति को रखें। साथ ही आप खुद कुश के आसन पर बैठे। अब हनुमान जी की मूर्ति पर माला फूल चढ़ाए और धूप दीप जलाकर पूजा प्रारंभ करें। हनुमान जी को अब अनामिका उंगली से तिलक या सिंदूर लगाए साफ बने हुए प्रसाद को चढ़ाए। आखिरी में हनुमान जी की आरती उतारे और उनका 5 मिनट के लिए मौन होकर ध्यान करें। अब चलिए आपको बताती हूँ कि हनुमान जी का व्रत करने का लाभ क्या कुछ है। हनुमान जी का व्रत करने से कुंडली में मौजूद सभी ग्रह शांत हो जाते हैं और उनकी असीम कृपा प्राप्त होती है। अपने भक्तों पर आने वाले हर संकट को हनुमान जी दूर करते हैं। संतान प्राप्ति के लिए हनुमान जी का व्रत फलदायी माना जाता है। इस व्रत को करने से भूत प्रेत और काली शक्ति का प्रभाव नहीं पड़ता। मंगलवार का व्रत करने से सम्मान, साहस और पुरुषार्थ बढ़ता है। और अब बात करते हैं राशि फल की, और शुरुआत मेष राशि से करते हैं। आज का दिन मौज मस्ती और आनंद से भरा रहेगा, क्योंकि आप जिंदगी को पूरे तरीके से जिएंगे। घर में उल्लास का माहौल आपके तनाव को कम कर देगा। प्रेम के दृष्टिकोण से आपके लिए यह दिन विशेष रहने वाला है। और मेष के बाद बात करेंगे वृष राशि की। सेहत से जुड़ी समस्याएं आपके लिए परेशानी का सबब बन सकती है। अचानक आए खर्च आर्थिक बोझ बढ़ा सकते हैं। रिश्तेदारों के साथ अपने संबंधों को फिर तरोताजा करने का दिन है। दिन की शुरुआत भले ही थोड़ी थकाऊ रहे, लेकिन जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा आपको अच्छे पल मिलने लगेंगे। और अब बात करते हैं मिथुन राशि की। आपका चढ़ा हुआ पारा आपको परेशानी में डाल सकता है। आपका धन आपके काम तभी आता है जब आप फिजूल खर्ची करने से खुद को रोकते हैं। आज ये बात आपको अच्छी तरह से समझ आ सकती है। दिन के दूसरे हिस्से में आप आराम करना और अपने परिवार के साथ समय बिताना पसंद करेंगे। और अब बात करते हैं कर्क राशि की। तरोताजा होने के लिए अच्छी तरह से आराम करें। विदेशों में पड़ी आपकी जमीन आज अच्छे दामों में बिक सकती है। आज प्यार के मामले में सामाजिक बंधन तोड़ने से बचे। आप निश्चित तौर पर ऐसे लोग से मिलेंगे जो आपके करियर में मददगार साबित होंगे। और अब बात सिंह राशि की करते हैं और जानेंगे सिंह राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है। आज का दिन फायदेमंद साबित होगा और आप किसी पुरानी बीमारी से काफी आराम महसूस करेंगे। आर्थिक समस्याओं ने रचनात्मक सोचने की आपकी क्षमता को बेकार कर दिया है। परिवार के सदस्यों का आपके जीवन में विशेष महत्व होगा। और अब बात करेंगे कन्या राशि की। आपकी ऊंची बौद्धिक क्षमताएं आपको कमियों से लड़ने में सहायता करेगी। सिर्फ सकारात्मक विचारों के जरिए इन समस्याओं से निजात पाई जा सकती है। आज यदि आप अपने दोस्तों के साथ कहीं घूमने जा रहे हैं तो पैसे सोच समझकर खर्च करें। धन हानि हो सकती है। किसी धार्मिक स्थल या संबंधी के यहाँ जाने की संभावना है।
और चलिए अब बात करेंगे तुला राशि की। मुस्कुराते रहे क्योंकि यह सभी समस्याओं का सबसे उम्दा इलाज है। करीबी रिश्तेदारों के घर जाना आज आपकी आर्थिक स्थिति को बिगाड़ सकता है। जो लोग अपने प्रेमी से दूर रहते हैं उन्हें आज अपने प्रेमी की याद सता सकती है। तुला के बाद बात करेंगे वृश्चिक राशि की और जानेंगे वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है। अपने नकारात्मक रवैये के चलते आप प्रगति नहीं कर पा रहे हैं। यह इस बात को समझने का सही वक्त है कि चिंता की आदत ने आपके सोचने की क्षमता को खत्म कर दिया है। हालात के उलझे पहलू की ओर देखें और आप पाएंगे कि चीजें सुधर रही है। और अब बात करेंगे धनु राशि की। भाग्य पर निर्भर ना रहे और अपनी सेहत को सुधारने की कोशिश करें क्योंकि किस्मत खुद बहुत आलसी होती है। अपने पैसे को संचय करने के लिए घर के लोगों से आपको बात करने की जरूरत है। उनकी सलाह आपकी आर्थिक स्थिति को सुधारने में मददगार होगी। परिवार के लिए किसी अच्छे और ऊंचे लक्ष्य को हासिल करने के नजरिए से समझबूझकर थोड़ा खतरा उठाया जा सकता है। और अब बात करेंगे मकर राशि की। आज आप खेलकूद में हिस्सा ले सकते हैं जो आपको तंदुरुस्त बनाए रखेगा। भविष्य में अगर आपको आर्थिक रूप से मजबूत बनना है तो आज से ही धन की बचत करें। आज आप जहां भी जाएंगे लोगों के बीच आप सबके ध्यान का केंद्र बने रहेंगे। और अब बात करते हैं कुंभ राशि की। आपका ऊर्जा स्तर ऊंचा रहेगा। आपको कमीशन, लाभांश या रॉयल्टी के जरिए फायदा होगा। परिवार में आप एक संधि कराने वाले दूत का दायित्व निभाएंगे। सबकी परेशानियों पर गौर करें जिससे समस्याओं पर समय रहते ही काबू पाया जा सके। और अब बात करेंगे अंतिम राशि मीन की। आज आप में चुस्ती फुर्ती देखी जा सकती है। आपका स्वास्थ्य आज पूरी तरह से आपका साथ देगा। अगर आपका धन से जुड़ा कोई मामला कोर्ट कचहरी में अटका था तो आज उसमें आपको विजय मिल सकती है और आपको धन लाभ भी हो सकता है। बोलते तारे में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।